हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की एक बहुत वायरल फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा। जी हां, बहुत वायरल फोटो जो कि एक रिपोर्टर ने कैप्चर किया था सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को एक साथ एक जगह पे, और वो ही फोटो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो यही है वो फोटो जिस फोटो में आप देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को एक रिपोर्टर ने कैप्चर किया था। पर वेट, शायद किसी जगह पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या ये लड़का जो है ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है? पर नीचे तो लिखा हुआ है कि ये सुशांत सिंह राजपूत है, तो ये लड़का है कौन? तो हो गया ना आप कंफ्यूज। दोस्तों, अगर आप में से जिन लोगों की दिमाग ऑलरेडी क्लिक कर गया है, उन लोगों को पता चल चुका है कि ये जो बंदा है ये फोटो में, ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। हालांकि नीचे सुशांत सिंह राजपूत लिखा हुआ है, तो अब क्वेश्चन आते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ ये बंदा है कौन। तो आई होप कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ही इसका नाम पता है। ये है उदय सिंह गौड़ी। अब उदय सिंह गौड़ी के बारे में नया करके इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी चैनल की एक रेगुलर व्यूअर है तो ये जो फोटो है, इस फोटो में उदय सिंह गौड़ी और रिया चक्रवर्ती को अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं कि वो लोग रास्ते में मिले थे। अब हो सकते हैं कि उन लोगों के अंदर कोई अच्छा संबंध हो। अच्छा संबंध मतलब, मैं ये कुछ अलग कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा जान पहचान, बहुत अच्छा दोस्ती हो। तो ये फोटो के माध्यम से क्या ये प्रूफ नहीं होता है कि रिया चक्रवर्ती उदय सिंह गौड़ी को, और उदय सिंह गौड़ी रिया चक्रवर्ती को बहुत अच्छी तरीके से जानता था? अब सवाल तो इस जगह पे है कि उदय सिंह गौड़ी ठहरा कि एक टैलेंट मैनेजर। उनका काम है कि जो सेलिब्रिटी है उन सेलिब्रिटी की असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट या फिर मैनेजर जो है उनका सप्लाई देना, वो भी उनकी कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी का नाम है कॉर्नरस्टोन। तो उस जगह से रिया चक्रवर्ती के साथ इतना अच्छा दोस्ती उनका जो है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल तो पैदा नहीं कर रहा। क्योंकि 13 तारीख दोपहर को सुशांत सिंह राजपूत को 7 बार कॉल करने वाला भी उदय सिंह गौड़ी था। सुशांत सिंह राजपूत को स्क्रिप्ट सुनाने के चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत घर पे अकेला है या फिर नहीं, ये पूछने वाला भी उदय सिंह गौड़ी था। मैं 8 बजे आ रहा हूं या फिर 8:30 बजे आ रहा हूं, ये कह के ना आने वाला भी उदय सिंह गौड़ी ही था। अब हो सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को उस रात घर से, यानी माउंट ब्लैंक से बाहर लेके आके मारने वाला भी उदय सिंह गौड़ी ही हो। तो यही उदय सिंह गौड़ी के साथ रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस का और एक सस्पेक्ट और एक प्राइम सस्पेक्ट, तो दोनों सस्पेक्ट एक जगह एक ही फोटो में दिखना, मतलब एक बहुत बड़ा मिस्ट्री के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी क्या पैदा नहीं करता कि अल्टीमेटली ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और साथ ही साथ अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के केस की हर एक चप्पा चप्पा को अगर ध्यान दिए थे उस टाइम पे, तो आपको यह भी याद होगा कि 9 तारीख रिया चक्रवर्ती के साथ उदय सिंह गौड़ी का एक बहुत लंबा कन्वर्सेशन हुआ था, और जिसके बारे में ना रिया चक्रवर्ती कभी भी जिक्र किया और ना ही उदय सिंह गौड़ी ने कभी भी मुंह खोला कि अल्टीमेटली वो जो फोन कॉल हुआ था वो किस रिगार्डिंग हुआ था। तो अल्टीमेटली ये फोटो देख के चारापोना के दिमाग में तो यही क्लिक करता है कि उदय सिंह गौड़ी के साथ रिया चक्रवर्ती का इतना अच्छा संबंध, मतलब कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर का जो प्लान था वो प्लान यही दोनों का तो नहीं था। क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे 13 तारीख रात की ऊपर ना, तो फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि उदय सिंह गौड़ी अगर सुशांत सिंह राजपूत को स्क्रिप्ट सुनाने के बहाने अगर माउंट ब्लैंक से बाहर लेके गए थे, तो उसके बाद अगर कोई पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत को लेके गए थे, तो उस जगह पे उदय सिंह गौड़ी का एक प्रेजेंट हमें देखने के लिए मिलता है। अब अगर रिया चक्रवर्ती की जो सिक्योरिटी गार्ड थे रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट की, उसकी बात अगर सुना जाए, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की ही गाड़ी रिया चक्रवर्ती को छोड़ने के लिए उस रात आते हैं। यानी 13 तारीख रात को रिया चक्रवर्ती की उपस्थिति भी हमें देखने के लिए मिलता है और उदय सिंह गौड़ी की उपस्थिति भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी अल्टीमेटली अभी तक लोग पॉलिटिकल खेल के आदित्य ठाकरे के पीछे पड़ा हुआ है कि आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करना है। अरे भाई, अगर आदित्य ठाकरे को वाकई में अरेस्ट करना है, तो चारापोना का ये जो सलाह है, इस सलाह को अपने दिमाग में छप लो। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के दिन के ऊपर आप सही से इन्वेस्टिगेशन करें, तो फिर
आदित्य ठाकरे का नाम आना ही है, आदित्य ठाकरे की गले तक आप लोगों का हाथ ऐसे ही पहुंच जाएगा। आदित्य ठाकरे के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग भागिए कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने घर से बुला के कौन सी पार्टी में लेके गए थे और किसने मारा, और उदय सिंह गौड़ी की जो फोन कॉल था उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को निकालिए पहले कि उस फोन कॉल के अंदर क्या बातें हुआ था, क्योंकि सीडीआर तो सब किसी के पास है, सीडीआर सब कोई निकाल सकते हैं, पर सीबीआई का जो काम होना चाहिए वो है हर एक कॉल की रिकॉर्डिंग को निकल के एक एक कॉल को सुनना कि उस कॉल के अंदर बातें क्या हुआ था। तो आई होप कि इस फोटो के जरिए आप लोगों को लगभग ये समझ में आ गया कि चारापुना के नजर में जो सुशांत सिंह राजपूत की केस का कातिल हो सकते हैं उसके साथ रिया चक्रवर्ती का इतना अच्छा एक रिलेशन, इतना अच्छा एक बॉन्डिंग, इतना अच्छा जान पहचान कहीं ना कहीं एक बड़ा सा मिस्ट्री तो जरूर पैदा करते हैं कि अल्टीमेटली ये मुलाकात की कारण क्या है, इतनी अच्छी दोस्ती की कारण क्या है, और क्या वो रीजन है जिस रीजन की वजह से रिया चक्रवर्ती और उदय सिंह गौड़ी के बीच 9 तारीख एक इतना अच्छा कन्वर्सेशन होता है ओवर द फोन। क्या रिया चक्रवर्ती ने उदय को यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत आप फिल्म करना चाहते हैं तो उनको फिल्म सुनाने की चक्कर में उनको लेके बाहर चले जाओ, क्योंकि पता नहीं लॉकडाउन में सुशांत घर के अंदर बैठ के क्या सब करते रहते हैं, तो फिल्म सुनाने के बहाने उसको बाहर लेके जा सकते हो। नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत घर से बाहर नहीं निकालने वाला, तो कहीं ना कहीं ये प्लान रिया चक्रवर्ती ने ही उदय सिंह गौरी को तो नहीं सुनाया, और जिसके बाद ही उदय सिंह गौरी सुशांत सिंह राजपूत को फोन करके उनको बाहर तो नहीं लेके गए। तो रिया चक्रवर्ती और उदय सिंह गौड़ी सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर ये जो दोनों नाम है, ये दोनों नाम भूलना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो सीबीआई को हो चाहे वो एसआईटी टीम को हो, क्योंकि आज के दिन में दिशा और सुशांत के केस में एसआईटी और सीबीआई पंच होके इक्वली काम कर रहे दोनों केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना दिन मतलब 3 साल बाद उन लोगों के दिमाग में यह क्लिक हुआ है कि सुशांत और दिशा की केस में एक लिंकअप है, 3 साल बाद पता चला है, मतलब कितनी लेट उन लोगों की घड़ी चलता है यार। मतलब आज के दिन में जो आपके लिए 2024 चल रहा है वो उन लोगों के लिए 2020 चल रहा है। और आई होप कि अगर सब कुछ सही से चले और नीलेश ओझा सर जैसे एक बहुत बड़ा कदम लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आई होप कि सब कुछ 2024 की अगस्त महीने के अंदर ही कंप्लीट हो सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये फोटो के रिगार्डिंग आपका ओपिनियन क्या है वो डेफिनेटली शेयर करिएगा, क्योंकि आप एक एसएसआरियन है और सुशांत सिंह राजपूत की केस में एसएसआर का जो फैंस है उनका भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर कोई एक एक करके कॉमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट राइट नाउ, प्लीज डू।